मकान की नींव में सर्प और कलश क्यों गाड़ा जाता है? मित्रों, हम कभी भी यदि मकान बनवाने का सोचते हैं तो हमारे मन में ये बात जरूर आती है कि घर की नींव मजबूत रहे, जिसके लिए लोग धार्मिक परंपराओं में सबसे पहले भूमि पूजन भी करवाते हैं। साथ ही आपने कई बार सुना होगा कि मकान की नींव में सर्प और कलश गाड़ा जाता है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। दोस्तों, आपको बता दें कि घर बनवाने से पहले जो भूमि पूजन करवाया जाता है उसमें सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है और पूजा अर्चना की जाती है कि मकान का काम सही तरीके से पूरा हो जाए। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नींव भरवाने से जुड़ी जरूरी और महत्वपूर्ण बात। लेकिन उससे पहले बता दें कि हिंदू धर्म में सर्प का महत्व क्या है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में लिखा है कि धरती के नीचे पाताल लोक है, जिसके स्वामी शेषनाग है। भूमि से 10,000 योजन नीचे अतल, अतल से 10,000 योजन नीचे वितल, उससे 10,000 योजन नीचे सतल, इसी क्रम से सारे लोक स्थित है। अतल, वितल, सतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये सातों लोक पाताल स्वर्ग कहलाते हैं। दैत्य, दानव, नाग, ये सब यहां आनंद पूर्वक भोग विलास करते हुए रहते हैं। इन सब पातालों में अनेक पुरियां प्रकाशमान रहती है। यहां बड़े बड़े नागों के सिर की मणियां अंधकार को दूर करती रहती है। पाताल में ही नाग लोक के अधिपति वासुकी आदिनाथ रहते हैं। वहीं श्री सुखदेव के मतानुसार पाताल से 30,000 योजन दूर शेष जी का आसन है। उनके सिर पर पृथ्वी रखी है। पौराणिक ग्रंथों में शेष नाग के मस्तिष्क यानी फण पर धरती टिकी होने के बारे में बताया गया है। वर्णित है कि 1,000 फणों वाले शेष नाग संपूर्ण नागों के राजा है। वो भगवान श्री नारायण की शैया बनकर सुख पहुंचाने वाले उनके भक्त है और कई बार प्रभु के साथ साथ अवतार लेकर उनके लीला में शामिल भी रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा है, अनंतश्चास्मि नागानाम, अर्थात मैं नागों में शेष नाग हूं। अब बताते हैं कि क्यों नींव पूजन में डाला जाता है चांदी का सर्प और कलश। दोस्तों, आपको बता दें कि नींव पूजन का पूरा कर्मकांड इस विश्वास पर आधारित है कि जैसे शेष नाग अपने फण पर संपूर्ण धरती को धारण किए हुए हैं, ठीक उसी तरह मेरे इस घर की नींव में गाड़े गए चांदी के नाग के फण पर मजबूती के साथ स्थापित रहे। जैसे शेष नाग क्षीर सागर में रहते हैं, इस कारण पूजा के कलश में दूध, दही, घी, हल्दी, कुमकुम, चावल डालकर मंत्रों से आह्वान कर शेष नाग को बुलाया जाता है। वहीं भगवान विष्णु जी के रूपी कलश में देवी लक्ष्मी स्वरूप सिक्का डालकर फूल और दूध पूजा में अर्पित किया जाता है, जो नागों को प्रिय होता है। इन सब के बाद मकान का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाता है। ये तो सभी को पता है कि भगवान भोलेनाथ के आभूषण नाग है। त्रेता युग में लक्ष्मण जी और द्वापर युग में बलराम शेषावतार माने जाते हैं। इसी विश्वास के साथ बरसों से सर्प और कलश की ये प्रथा चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि इस कर्म कांड के बाद स्वयं श्री नारायण, देवी लक्ष्मी और शेष नाग मकान की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि नए घर में मंदिर में कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए। भगवान की एक से ज्यादा मूर्ति न रखें। घर में बने मंदिर में किसी भी देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्तियां भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से घर में अशांति आती है और बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। इसके साथ ही आपके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और आपके बनते कार्य बिगड़ने लगते हैं, तनाव हावी होने लगता है। भगवान के रौद्र रूप की तस्वीर न रखें। दूसरे नियम के बारे में बात करें तो अगर आप अपने घर में सुख और शांति बनाए रखना चाहते हैं तो अपने घर के मंदिर से बिना देरी किए भगवान की रौद्र रूप वाली मूर्ति
या तस्वीर को हटा दें। ऐसा माना जाता है कि ऐसी तस्वीरें घर में कलेश का कारण बनती है, इससे घर में नकारात्मकता भी फैलती है। एक से ज्यादा शंख न रखें। मित्रों, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपके पूजा घर में एक से ज्यादा शंख कभी न रखें। पूजा के लिए केवल एक ही शंख का रोजाना प्रयोग करें। मान्यता के अनुसार शंख भगवान विष्णु का प्रतीक होता है, इसलिए इसे रोजाना बदलना सही नहीं माना जाता। अगर एक से ज्यादा शंख पूजा घर में रखे हैं तो एक को हटाकर किसी पवित्र नदी में बहा दें। बासे फूल न रखें। मित्रों, माना जाता है कि भगवान को फूल चढ़ाने से वो प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि भगवान के मंदिर में कभी भी बासी और सूखे फूल नहीं छोड़ने चाहिए। फूलों के सूखते ही उन्हें पूजा स्थल से तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बासी फूल भोग नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। टूटी हुई मूर्तियां न रखें। खंडित मूर्तियों को लेकर मान्यता है कि ऐसी मूर्तियों की पूजा करने पर पूरा फल नहीं मिलता है और न ही एकाग्रता बन पाती है। एकाग्रता न होने के कारण मन अशांत रहता है, उसे तुरंत पूजा स्थल से हटा देना चाहिए। ऐसा न करने पर टूटी हुई मूर्ति की पूजा ईश्वर को स्वीकार्य नहीं होती है और इसका नकारात्मक फल मिल सकता है। यदि किसी के घर में टूटी हुई भगवान की मूर्ति रखी हुई है तो उसे तुरंत विसर्जित कर देना चाहिए। नीले रंग का बल्ब न लगाएं। कई घरों के मंदिर में नीले रंग के बल्ब का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत अशुभ होता है। हमेशा मंदिर में पीले रंग का ही बल्ब लगाना चाहिए। प्राचीन ग्रंथों की माने तो भगवान विष्णु को रंग पीला सबसे ज्यादा पसंद है। तो मित्रों, आपने जाना कि मकान की नींव में सर्प और कलश क्यों गाड़ा जाता है और नए घर में मंदिर में कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए। यदि आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो कमेंट्स में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दे इजाजत, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। और दोस्तों, अब आप हमारे वीडियोस हमारे फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को, जिसका नाम है द डिवाइन टेल्स। धन्यवाद।